नमस्कार दोस्तों, पीआर शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक 3 BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट लेके आए हैं, द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल के बैक साइड वाले एरिया में। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको जो रूफ़ है वो कॉमन मिलती है, काफ़ी बड़ी रूफ बना रखी है, और प्रॉपर्टी का जो रोड है, अप्रोच रोड है, वो आपको मिलता है 30 फीट चौड़ा। तो आप गाड़ी बड़े आराम से लेके यहाँ पे आ सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी फुली फर्निश्ड कंडीशन में मिलती है, यहाँ पे आपको सारा सामान लगा हुआ मिलता है। तो अगर आप एक रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट देख रहे हैं अच्छी लोकेशन पे, देन आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो बहुत ही बढ़िया, इस फ्लैट की फुली फर्निश्ड कंडीशन में इसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 58 लाख ओनली। जी हाँ, फुल फर्निश्ड कंडीशन में होने के बावजूद इसका प्राइस इतना कम है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इस कोड के साथ में हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप सेक्टर 14 के आसपास में लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी, एक 3 BHK फ्लैट, ये है बेहतरीन फ्लैट। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी प्रॉपर्टी अंदर से कैसी दिखती है, आ जाइए। स्टेयरकेस मिलता है 3 फीट चौड़ा, और साथ ही साथ आपको मिल जाती है लिफ्ट। हर फ्लोर पे केवल 2 यूनिट है, एक फ्रंट में मिलेगी और एक ये वाली यूनिट है। इसके अंदर हमें जो लेआउट है मिलता है बहुत ही बढ़िया। कैसा लेआउट मिलेगा आपको? आपके घर में जो भी गेस्ट आते हैं आराम से आपके लिविंग एरिया में बैठेंगे। टीवी पैनल सामने है, अच्छा सा लिविंग एरिया का डिज़ाइन दिया गया है, 2 फैंस, चैंडलियर, सब कुछ यहाँ पे लगाया मिलता है। उसके बाद किचन का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छे और अप्रोप्रिएट जगह पे है। साथ ही साथ आप इसको पर्दा लगा के सेपरेट भी कर सकते हैं अपने लिविंग एरिया वाले जोन से। उसके बाद जो कॉमन एरिया है या फिर कॉमन वॉशरूम है वो इधर मिलता है। साथ ही साथ आप इस तरफ अपना डाइनिंग टेबल भी प्लान कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद आपका बेडरूम 1, बेडरूम 2, बालकनी और बेडरूम नंबर 3, ये है हमारी बढ़िया साइज़ की किचन। इधर आपको सबसे पहले मैं डायमेंशन बता देता हूँ आपके लिविंग एरिया के क्या हैं। यहाँ पे आपको जो डायमेंशन मिलता है वो मिलता है 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट। यहाँ से आपको मिलेगी लंबाई 16 फीट इस तरह से, 16 + 1 = 17 फीट इस तरह से। और अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये आपको मिलती है करीब करीब 11 फीट के आसपास, 11 × 17 फीट का लिविंग एरिया है। यहाँ पे आपको सोफ़ा पूरा लगा हुआ मिलता है, ये आपका 7 सीटर सोफ़ा है, सेंटर टेबल है, टीवी एरिया, टीवी यूनिट भी बहुत अच्छे साइज़ की प्लान करी हुई है, वॉलपेपर्स मिल जाएंगे आपको। और यहाँ से आते हैं तो ये हमारी किचन है। किचन के अंदर आपको IGL, यहाँ पे अभी गैस ऑन नहीं हुई है, रेस्ट सब कुछ सही है। हेडवे की चिमनी मिल जाएगी, सामने वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल जाएगी, फैंसी लाइट। यहाँ से बाहर आते हैं तो आपको मिलता है हमारा बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम में आपको बेड लगा हुआ मिलता है, बेड के बाद भी काफ़ी सारा चलने का स्पेस है यहाँ पे। इधर भी 4 फीट के आसपास आपको मिल जाता है स्पेस। वैसे डायमेंशन देखते हैं इसके तो ये 11 फीट इस तरह से है, और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको मिलता है 10 फीट के आसपास, ये 10 है हमारा। तो ये भी एक अच्छा स्पेस है। इधर आपको शाफ्ट दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद आपके 2 बचे हुए बेडरूम्स, बेडरूम नंबर 2 आपका इधर आ जाता है। इसका जो कलर डिसाइड किया गया है नीचे का फ्लोरिंग का, वुडन टेक्सचर में है तो बढ़िया लग रहा है, एक अच्छा अलग सा फील दे रहा है। 6 बाय 6 का आपका बेड हो जाता है इधर। यहाँ पे हमें मिलता है अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम भी आपको अच्छे साइज़ में मिलता है, 6 फीट × 4 फीट के साइज़ में वॉशरूम है। इधर की तरफ वेंटिलेशन है, कांच का दरवाज़ा लगा हुआ है। इधर से बाहर निकलते हैं, ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये हमारी बालकनी पे कनेक्ट होती है, अभी आपको लेके चलते हैं बालकनी पे। ये आपका जाता है बेडरूम नंबर 3। वार्डरोब आपको इधर मिलता है, एक बेड इधर भी है। ये जो बेड है हमारा कन्वर्टेबल बेड है, यानी कि आप इसको सोफ़ा कम बेड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एक टीवी यूनिट इधर भी दी जाती है। साइज़ इस रूम का आपको मिलता है 11 फीट × 11 फीट के साइज़ में, बहुत ही बढ़िया साइज़ है। उसके बाद इधर आते हैं आप हमारी बालकनी में, तो ये बालकनी हमें मिलती है पतली गली की फेसिंग में, बैक साइड की फेसिंग नहीं बोलूँगा बट ये पतली गली की फेसिंग में है। लंबाई काफ़ी अच्छी है इस वाली बालकनी की, 20 फीट × 3 फीट की बालकनी, जिसके अंदर हमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलता है। एंड लास्ट में आ जाते हैं हम अपने वॉशरूम में, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, 5 फीट चौड़ा,
6 फीट लंबा, बहुत ही अच्छे कलर, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ में, और यहाँ पे भी हमें कांच का दरवाज़ा मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी, फुली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट, द्वारका सेक्टर 14, मेट्रो स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा पास में, वेगस मॉल के ठीक पीछे वाले एरिया में। प्रॉपर्टी का साइज़ बहुत अच्छा है और यहाँ पे रूफ़ हमें कॉमन मिलती है, कॉमन रूफ़ जो भी आपको करीब 200 गज की रूफ़ मिलती है। अंधेरा होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं आपको अवश्य दिखाता। पार्किंग नीचे काफ़ी अच्छी बनाई है, वो हम आपको दिखा देते हैं अभी चल के। अगर आप इस प्रॉपर्टी को बुक करना चाहते हैं, यहाँ से इस प्रॉपर्टी कोड को नोट करके इस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं, फुली फर्निश्ड कंडीशन का 3 BHK फ्लैट। प्राइस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आपने नहीं सुना है तो आप वीडियो रिवाइंड करके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। प्रॉपर्टी आपने पूरी देख ली है, अब हम चलते हैं हमारी पार्किंग के अंदर। ये हमारी पार्किंग है जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप पार्किंग लगा सकते हैं, इधर भी आपको एम्पल पार्किंग स्पेस मिलता है। दूसरी अच्छी बात क्या है, इस पार्किंग के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना हुआ है, कोई बच्चा फ्लोर नहीं बना हुआ है और किसी तरह की कोई शॉप नहीं बनी हुई है। सामने की ओर अगर आप गेट भी देखते हैं तो गेट आपको एक ही नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको एक चौड़ा गेट, दूसरा बहुत चौड़ा गेट और तीसरा बहुत चौड़ा गेट। तो यहाँ पे 8-8 फीट के आपको 3 बड़े बड़े गेट्स मिलते हैं जिनसे आप अपनी गाड़ियों को बाहर लेके जा सकते हैं, वरना एक के पीछे एक जब गाड़ी लगती है तो निकालने में उसमें असुविधा आती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कोड डाल दिया है, इसके साथ में हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं और परचेस करके नवरात्रों तक अपना मूव इन ले सकते हैं। फुली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।